हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो नाउ कंटिन्यू आवर चैप्टर 12 दैट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो आवर नेक्स्ट रिएक्शन इज हियर, रिएक्ट विद PCl5 PCl3 एंड SOCl2। सो दिस आर दिस एसिड दैट गिव्स एसिल क्लोराइड इन द रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड। सो वी फर्स्ट RCOOH रिएक्ट विद P CL CM CM CL and C PCl 5 here, so that gives first acyl chloride. So acyl chloride RCO N1 C, so gives RCOCl. Clear? Another that hydrogen react with this chlorine. So what will become HCl plus remaining type acid यहाँ पे ऑक्सीजन फास्फोरस इन दिस थ्री फ्लोरीन, सो POCl3 क्लियर। सो फर्स्ट इज RCO एंड 1Cl एसिल क्लोराइड, H एंड Cl HCl एंड POCl3। सेकंड वन इज RCOOH प्लस PCl3 clear. So PCl3 we can write in this form Cl, Cl and C. So we take 3 amount of RCOOH, 3 amount of RCOOH. So 3 oxygen, 3 hydrogen and 1 phosphorus. 3 oxygen, 3 hydrogen and 1 phosphorus. That gives you H3PO3 remaining RCOCl RCOCl RCOCl, so our product is 3RCOCl acyl chloride. Yes, next one is here RCOOH plus SOCl and C SOCl2. Clear. So here that oxygen and SO that form product SO2 plus one hydrogen combined with one chlorine that gives HCl. So remaining is RCO and Cl. RCOCl. So acyl chloride. कार्बोक्सिलिक एसिड कंबाइंड विद PCl5, PCl3 एंड सल्फर क्लोराइड दैट गिव्स एसिड क्लोराइड। क्लियर? नेक्स्ट वन इज रिएक्ट विद अमोनिया दैट गिव्स एसिटामाइड एसिड एमाइड्स फॉर्मेशंस करते हैं। क्लियर? अमोनिया के साथ रिएक्शंस यहां से कहते हैं CH3 C2H प्लस NH3। क्लियर? सो NH3 दैट कंबाइन विद दिस कंपाउंड सो दैट गिव्स इंटरमीडिएट प्रोडक्ट CH3 C2NH4। तो यहां पे आया पॉजिटिव चार्ज, यहां पे आया नेगेटिव चार्ज, दैट इज अ साइड प्रोडक्ट इंटरमीडिएट कंपाउंड एंड दैट इज डीहाइड्रोलिसिस माइनस CH2O। तो इसको हम देखिए इस फॉर्म में लिख सकते हैं H H H एंड H NH4। सो रिमूव H 2 एंड O H 2 O रिमाइंड CH3 CO NH 2 CH3 CO NH 2 हियर दैट इज इन विच ग्रुप एमाइड। हियर ये हो जाएगा आपका मिथिल एमाइड। CO NH
2 benzamide. Clear? So we create with ammonia that gives amide group. Continue this reaction if you take C double O H, C double O H, and in benzene 1,2 dioic acid. Reacting with NH3 in the NH3. Similarly, NH3 attached with these two carboxylic groups. So that gives अमोनियम इथैलेट. अमोनियम इथैलेट दैट इक्वल ऑफ -2H2O. दो मॉलिक्यूल्स रिमूव करा देंगे, क्या बनेगा फिर? CONH2. इफ यू स्ट्रॉन्ग हिटिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट. क्लियर? तो यहाँ पे -KH3. इसके सुने कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ से रूप करा दिए H. तो NH3 वही क्या बात है? CONHCO. तो ये ग्रीन स्ट्रक्चर बना थी CONH. That is it. इथैलामाइड. क्वेश्चन आता है जनरली हाउ ऑब्टेन इथैलामाइड फ्रॉम द ओइक एसिड. सो इस तरह से ये कंप्लीट रिएक्शन आप लिखेंगे. क्लियर? अभी नेक्स्ट देखते हैं. सो नेक्स्ट वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस टू प्राइमरी एल्कोहल्स. सो कार्बोक्सिलिक एसिड डिफ्यूजन आर सी डबल ओ एच रिडक्शन से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. तो हम लिख सकते हैं 2H2 इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इथर या फिर ले सकते हैं यहाँ पे B2S6 डाइबोरेट. क्लियर? इन द प्रेजेंस ऑफ H3O+. सो ये एक्चुअली राइट दिस हम 2H2O को इस फॉर्म में लिख सकते हैं H इन द H. Clear? So here these two hydrogen combine with one oxygen H2O. So that product is H2O. Clear? And this two hydrogen combine with carbon atom. So that is RCH and H. RCH and H. क्या बचे value? यहाँ पर मैंने क्या बचा? O H. So that is it. O H. That is primary alcohol. Clear? क्या पर मसला पूरा primary alcohol. Example भी दे सकते हैं आप CH3 C double bond O O H plus H 2 and H 2. So this product is removed. प्रेजेंट सिमिलर लिखेंगे जो भी वहां पे प्रोडक्ट का रिएक्शन H2O. व्हाट आर रिमेनिंग? दिस हाइड्रोजन कंबाइंड विद कार्बन एटम. सो वी कैन राइट CH3 CH2OH. क्लियर? इथेनॉल क्या बना? प्राइमरी एल्कोहल. सो आप इसे बोलते हैं रिडक्शन. सो ये नेक्स्ट रिएक्शन इज दैट इज आल्सो लेमी रिएक्शन कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस. That is a decarboxylation reaction. Decarboxylation means removal of carbon dioxide. So when carboxylic acid lost the carbon dioxide into its hydrocarbons in the presence of soda lime, that's the ratio of sodium hydroxide to calcium oxide in 3:1. So if we take RC OH plus NaOH
in the presence of clear calcium oxide NaOH. Clear? So in this form that gives first Na. यहाँ पे भी देखें हम फॉर्मेशंस कर रहे हैं तो ये रिंग क्या हो गया CO2, क्या रिंग होगा CO2 का रिमूवल हो गया तो रिमूव CO2 क्लियर एंड दैट्स प्रोडक्ट इज RH. क्या बचे यहाँ पे RH का पार्ट. ये तो मैं डायरेक्ट रिएक्शन बट एक्चुअल में जो रिएक्शन होता है उसका फॉर्मेट ये है कि पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन में डिस्प्लेसमेंट होता है सो होता है RCOA प्लस जिंक होगा NaOH के साथ रिएक्शन. क्लियर सो इस प्लेस पे देखिए Na कितने हैं 2 इतना आप रिमूव करा दीजिए सो प्रोडक्ट बन गया यहां पे Na2CO3 Na2CO3 तो वैल्यू क्या बचा R एंड R एंड ये तो डायरेक्ट रिएक्शन कर रहा है कि डीकंपोजिशन कार्बन डाइऑक्साइड और क्या रिमूव होता है कार्बन डाइऑक्साइड. So here next reaction is that is also Lewin reaction is the most important reaction of this chapter Hale-Bolhar-Zelenski. इसको short form बोलते हैं HBZ reaction भी बोलते हैं. Previous year exam में आया था. So hydrogenations addition of hydrogens जो है यहाँ पे carboxylic acid के साथ वही reaction कहलाता है HBZ reaction. Clear? That is the presence of red phosphorus. So if you take that carboxylic group which has alpha hydrogen ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो. यहां पे किस लिए डबल हो गई ए इसके जो फंक्शनल ग्रुप के नियरेस्ट है कौन सा हुआ अल्फा कार्बन सी हाइड्रोजन क्या होगा अल्फा हाइड्रोजन. सो अल्फा हाइड्रोजन वाले प्रोडक्ट ले लेंगे जो कि रिंग्स में तो होते नहीं. रिंग्स में क्या होता है उसका कंडीशन दो ऑप्शंस होते हैं आपको अल्फा हाइड्रोजन से प्लेस मिलेंगे. क्लियर इन द प्रेजेंस ऑफ यदि हम क्लोरीनेशन कराते हैं तो ले लीजिए Cl क्लोरीनेशन कराते हैं तो Br. Yes, the presence of red phosphorus and H2O that here this place में देखिए यहाँ से alpha hydrogen का hydrogen और यहाँ से क्या हो गया chlorine. So remove हो गया यहाँ पे HCl. That reaction is substitution reaction. ये एक substitution reaction है displacement. So hydrogen को chlorine जा रहा है उसकी जगह से displace. Product बनेगा यहाँ पे R CHCLCOOH. क्लियर इस तरह से क्लोरीन का एडिशन होता है. ये जो रिएक्शन ये है Hale-Bolhar-Zelenski रिएक्शन इसमें क्या होता है यहां पे हैलोजनेशन हो जाता है हैलोजन ग्रुप का एडिशन होता है. नेक्स्ट देखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में जो रिंग सब्स्टिट्यूशन. सो फर्स्ट लेते हैं नाइट्रेशन. यहाँ पे इसके से देखिए C डबल O H तो नाइट्रेशन में दूसरे H NO3 इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन एसिड H2SO4. क्लियर सो व्हाट वी विल डू दैट वी टेक दिस H2O एडिशन. सो हियर यहाँ पे यदि आप एडिशन कराते हैं सपोज स्ट्रेस पे अटैक करा रहे हैं यहाँ से डबल पैरा पोजीशन में होकर यहाँ आ गया H H enter O, so minus H2O, minus H2O. So what will be that nitrogen group contain here? So that will be product in here, C double OH and NO2. So preference इसको लेते हैं आप ले सकते हैं. ये हो गया one, two और ये three. ये हो जाएगा three nitro benzoic acid. Green nitro benzoic acid. Clear. Similarly, bromination की बात करें तो green में bromination C double O H यहाँ पे है H तो bromination सभी को पढ़ रहे थे Br एंटर Br हाइड्रोजनेशन के केस में. So
So bromine and hydrogen and bromine, that is it, minus HBr. Similarly, this bromine is attacked here. C double O H and Br. ये जो प्रोसेस है हमने इसको पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से। तो प्रीवियस चैप्टर में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हाइड्रोजनेशन, ब्रोमिनेशन, सल्फोनेशन, तो ये भी जो है हाइड्रेशन, ये सब क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर आते हैं। वही एक और रिएक्शन है फ्रीडम क्राफ्ट, जबकि अभी जो जो प्रोडक्ट है जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, तो फ्रीडम क्राफ्ट प्रोडक्ट भी दे रहे हैं। बट कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है फ्रीडम क्राफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता है, रीजंस है। इसका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसका रिंग जो है। सेकंड, इसमें जो कैटलिस्ट होता है एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, वो लेविस बेसिक एसिड होता है। लेविस एसिड होने की वजह से इसके एसिडिक नेचर, दोनों के नेचर की वजह से क्या है, तो उसके साथ बॉन्डिंग हो जाती है, जिसके वजह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता। इस तरह से रिंग सब्स्टिट्यूशन में ये टर्म आप याद रखेंगे, क्या रीजंस है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन होते हैं बट उसे फ्रीडम क्राफ्ट रिएक्शन नहीं। तो नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सो फर्स्ट इज इन द फार्मिक एसिड यूज्ड इन रबर, टेक्सटाइल, डाइंग एंड लेदर इंडस्ट्रीज, क्लियर। सो फार्मिक एसिड के जरिए यूज रबर फॉर्मेशन में, टेक्सटाइल मतलब क्लॉथ इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, या लेदर कुछ टेनिंग करने में यूज करते हैं। एसटी के सिर्फ जल्दी आपको पता है दैट इज द बेस्ट लेबोरेटरी सॉल्वेंट, जल्दी लेबोरेटरी में यूज किए जाने वाले सॉल्वेंट्स है, और इसी के लिए 5% को 95% वाटर के साथ मिक्स करके तो बनता है विनेगर, जो क्या होते हैं फूड प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में यूज करते हैं, और उसे फूड मटेरियल्स के फॉर्म में यूज किया जाता है। हेक्सानोइक एसिड अगला CH3CH2OH, इसका यूज करते हैं मोनोमर, ये डायगोनल 6 जो होता है पॉलीमर उसका मोनोमर फॉर्म। इस तरह बेंजोइक एसिड इज यूज्ड एज अ परफ्यूम्स फॉर्मेशंस में यूज करते हैं। सोडियम बेंजोएट भी यूज प्रिजर्वेटिव फॉर्म में किया जाता है, ये टर्म याद रखते हैं, बहुत बार एग्जाम में आता है सोडियम बेंजोएट। एक्चुअल में लास्ट चैप्टर में था रिलेटेड, बट हम चैप्टर रिव्यू हो गए, एक पॉइंट आप नोट कर लिए। हायर फैटी एसिड जैसे हमने स्टेरिक एसिड्स बताया था, पालमिटिक एसिड C17, S35, C00, इस तरह के जो फैटी एसिड्स होते हैं C15, S31, C00, ये क्या है फैटी एसिड्स में आते हैं, जल्दी पढ़ेंगे कि वो फैटी एसिड ये 18 कार्बोनेट अक्षर के ऊपर जल्दी क्या आपके फैटी एसिड्स होते हैं। तो ये जो फैटी एसिड्स हैं इसमें यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन कराते हैं प्रेजेंस में क्या हो रहा है, उससे सोप और डिटर्जेंट का फॉर्मेशन किया जाता है। तो दे आर द यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स, क्लियर। सो कंप्लीट योर चैप्टर, सो आई गिव यू सम होमवर्क क्वेश्चन रिलेटेड टू योर एक्सरसाइज बुक्स, सो काइंडली कंप्लीट दिस एंड सेंड मी इन ग्रुप, क्लियर। सो योर क्वेश्चन इज हियर, दैट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 12.1, इसको कंप्लीट करेंगे, जनरली क्वेश्चंस आते भी हैं एग्जाम में, वही 12.2 नॉमेनक्लेचर रिएक्शंस हैं, इसको भी आप कंप्लीट करेंगे, क्लियर। साथ ही आपको रिएक्शंस में सो हियर ट्वेल्व पॉइंट इलेवन एंड ट्वेल्व पॉइंट थर्टीन इसको भी कंप्लीट करना है। साथ ही यही है ट्वेल्व पॉइंट फिफ्टीन वन फाइव, ये क्वेश्चन इतना कंप्लीट करके ग्रुप में सेंड कीजिए, क्लियर। ओके, थैंक यू।